आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में नए विकास खंडों के गठन की। यह आवश्यकताएं उन क्षेत्रों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं जो दूरस्थ, पिछड़े और आदिवासी हैं। आइए जानते हैं इन जरूरतों के पीछे के कारणों को। मध्य प्रदेश में नए विकास खंडों के गठन की जरूरत इन इलाकों में सबसे ज्यादा है। दूरस्थ गाँव, कई गाँव वर्तमान विकास खंड मुख्यालयों से बहुत दूर है, जिससे बुनियादी सुविधाएं समय पर नहीं पहुंच पाती। विशेष रूप से दूरस्थ और ग्रामीण इलाकों जैसे बुंदेलखंड, बघेलखंड और बिंध क्षेत्र में इन योजनाओं की ज्यादा जरूरत है। अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र, कई विकास खंडों में जनसंख्या का घनत्व बढ़ गया है लेकिन ब्लॉक का विभाजन नहीं हुआ है। उदाहरण के लिए मालवा और नर्मदापुरम जैसे क्षेत्रों में तेजी से बढ़ती आबादी के कारण विकास योजनाओं का सही से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। पिछड़े और आदिवासी क्षेत्र, आदिवासी बाहुल इलाके जैसे कि झाबुआ, लिराजपुर, डिंडोरी, मंडला, शिवपुरी और शहडोल में भी नए विकास खंडों की जरूरत है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के कई हिस्से विशेष रूप से दूरस्थ, पिछड़े और आदिवासी क्षेत्र इस योजना से सबसे अधिक लाभान्वित हो सकते हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।